दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गोरिल्ला ग्लास और 2.5D कर्व ग्लास जो रहता है, आखिर उनमें डिफरेंस क्या रहता है। तो जैसे कि आपके फोन जो रहता है उसे काफी प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आप कवर और केसेस भी लगाते हैं। और फोन का जो सबसे एक्सपेंसिव पार्ट होता है वो होता है उसका डिस्प्ले। और जो पुराने फोन आते थे उनमें डिस्प्ले को प्रोटेक्शन देने के लिए होता था एक प्लास्टिक का डिस्प्ले, लेकिन जब नए फोन आने लगे तो आखिर उनमें आने लगा एक ग्लास। और यहाँ पे आता है सबसे पॉपुलर ग्लास जो है, वो है कॉर्निंग की तरफ से बनाया हुआ गोरिल्ला ग्लास। गोरिल्ला ग्लास की खास बात यह रहती है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है और उस पर आसानी से स्क्रैचेस नहीं आते। अगर इसे थोड़ी बहुत हाइट से अगर आपके फोन को गिराया जाए तो ये आसानी से टूटता नहीं है, लेकिन अगर इसे ज्यादा हाइट से किसी पर्टिकुलर एंगल पे गिराया गया तो ये ब्रेक हो सकता है। और जहां बात है स्क्रैचेस की, तो छोटी मोटी चीजों से इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आते, जैसे चाबी और सिक्को वगैरह से इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आते। हाँ, अगर रेत है तो इससे इसके ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं। और इसके डिफरेंट वर्जन के बारे में बात करें तो उसमें डिफरेंस ये रहता है बेसिकली कि कोई भी वर्जन अगर आता है गोरिल्ला ग्लास का, तो उसमें जो गोरिल्ला ग्लास की जो थिकनेस होती है वो पहले से थोड़ी ज्यादा कम हो जाती है और प्रोटेक्शन थोड़ी बहुत पहले से ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है। और गोरिल्ला ग्लास 4 और गोरिल्ला ग्लास 5 के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल ही सिमिलर है। इनके अंदर सिर्फ डिफरेंस की थिकनेस के, यानी गोरिल्ला ग्लास 4 थोड़ा पतला है और गोरिल्ला ग्लास 5 थोड़ा मोटा है। और गोरिल्ला ग्लास को कैसे बनाया जाता है किसी और वीडियो में बात करेंगे, तो अगर आप वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं 2.5D के कर्व ग्लास के बारे में। 2.5D का मतलब है 2D और 3D के बीच में, लेकिन 2.5D कर्व ग्लास का मतलब है कि एक टाइप का डिस्प्ले का डिजाइन है। नॉर्मल 2D ग्लास वो रहता है जैसा आपका बॉक्स की शेप का होता है, यानी कि जिसमें शार्प एजेस देखने को मिलती है और तीखे कोने होते हैं। वहीं 2.5D के अंदर ये जो कोने होते हैं सारी तरीके से स्मूथ हो जाते हैं और जितने भी किनारे होते हैं वो बिल्कुल राउंडेड शेप के होते हैं। और वहीं जो 3D ग्लास होता है वो थोड़ा कर्वेचर के साथ आता है, जैसा आपको सैमसंग गैलेक्सी 8, नोट 8 और जो S9 आने वाला है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। 2.5D की बात करें तो ये एक नॉर्मल ग्लास की तरह ही होता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एजेस जो रहते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा कर्व कर दिया जाता है और स्मूथ कर दिया जाता है। और कोई भी ग्लास जो रहता है उसे 2.5D में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ऐसा ही कॉर्निंग भी करती है। कॉर्निंग के कई सारे गोरिल्ला ग्लास आते हैं जो कि 2.5D कर्व ग्लास भी होते हैं, यानी कि उनको 2.5D कर्व दे दिया जाता है, यानी कि उनके एजेस को पिछले से ज्यादा स्मूथ कर दिया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है, इससे तो सबसे पहली बात यह कि डिवाइस आपका प्रीमियम लगता है, हाथ में पकड़ने में काफी आसान लगता है और अगर इसके ऊपर अगर आप थोड़ा स्वाइप कर रहे हैं, फोन को थोड़ा बहुत अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो उसको हैंडल कर पाना काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है। और ओवरऑल डिवाइस को एक ऐसा लुक देता है कि ऐसा लगता है कि आपका पूरा का पूरा जो डिवाइस है वो एक ही पीस से बना हुआ है। आगे जो ग्लास लगा है वो फोन से अलग नहीं है, वो फोन का ही एक पार्ट बन गया है। कॉर्निंग के कई सारे गोरिल्ला ग्लासेस आते हैं जो 2.5D के कर्व के साथ आते हैं, यानी कि कॉर्निंग भी आपको 2.5D कर्व गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलता है। और ऐसा ही नहीं, दूसरे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अपने 2.5D के कर्व ग्लास बनाते हैं, लेकिन जितने भी 2.5D के कर्व ग्लास होते हैं वो सारे गोरिल्ला ग्लास नहीं होते। नॉर्मल ग्लास और 2.5D कर्व ग्लास में एक तो डिफरेंस यही है कि जो नॉर्मल ग्लास रहते हैं 2.5D कर्व वाले उसे कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी बनाती है, लेकिन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास को केवल कॉर्निंग ही बनाती है। और उसकी जो क्वालिटी रहती है वो दूसरे ग्लासेस के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा रहती है, यानी कि आपको काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है, आपके जो ग्लास रहता है उसकी काफी अच्छी प्रोटेक्शन होती है। और हमेशा ही ये रिकमेंड किया जाता है कि आप एक अच्छा से अच्छा गोरिल्ला ग्लास आपके फोन में ही होना चाहिए, जिससे आपके फोन की स्क्रीन को काफी अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन मिल सके। और ये प्रोटेक्शन स्क्रैचेस में भी मिलती है, और ये प्रोटेक्शन अगर आपका फोन गलती से गिर जाए तो उसमें भी आपको काफी अच्छी प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी बस इतना ही। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे।